स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये वाला लेटर आप लोगों ने काफी यूट्यूब चैनल्स या फिर आपने वीडियोस में देखा होगा कि 1 लाख पद पर वैकेंसी आई है, अब आपका एग्जाम होने वाला है, अब नोटिफिकेशन आएगा, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। लेकिन आज मैं ना इस नोटिफिकेशन का आपको सच्चाई बताने वाला हूँ और इसके साथ साथ सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा, एक्चुअल वैकेंसी की सच्चाई है क्या, दूसरा आपका इंटरनल इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर डिपार्टमेंट की बात करूँ, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस की डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब जिसे आप इंटरनल इन्फॉर्मेशन बोलते हो, वहाँ पर कौन सी बातें चल रही हैं, या इस वैकेंसी की सच्चाई क्या है। और तीसरी चौथी सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर इस टाइप का कोई एग्जाम होगा तो उस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, आप जब तैयारी करोगे तो अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में करोगे, किन किन सब्जेक्ट पर लेकर करोगे, तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब आपने तो केवल एक ही नोटिफिकेशन देखा या फिर एक ही लेटर देखा, मैं कंप्लीट आपको आज ये लेटर दिखाने वाला हूँ कि ऐसे कितने लेटर हैं जो इसके साथ थे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसके मेन, मतलब इसके पहले वाले पेज से, ठीक है। ये है इस लेटर का पहला पेज। देखो सबसे पहली बात, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहली बात, जैसा कि सभी को पता है कि भाई माननीय अपने प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि आने वाले समय में वो करीब 10 लाख के समथिंग रोजगार देने वाले हैं युवाओं को। अब 10 लाख की जो प्रॉमिस की गई है वो किसी एक डिपार्टमेंट से नहीं होगी, वो आपके हर एक डिपार्टमेंट से फुलफिल की जाएगी। जैसे आपको सभी को पता है कि भाई भारत का सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो आपका इंडियन रेलवे होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो इम्प्लॉई है वो इंडियन रेलवे के अंदर है। अब इंडियन रेलवे के तो अपने एग्जाम चल ही रहे हैं, इसके बाद जो सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो रहता है आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस, मतलब भारतीय डाक विभाग जैसे आप बोलते हो। फिर इसके बाद जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई, मतलब और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें वैकेंसीज आनी है। तो उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट को वैकेंसीज कलेक्ट करने के लिए नोटिस भेजा, मतलब क्या वैकेंसीज बताओ कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी क्या वैकेंसी खाली है। तो सेम प्रोसेस हुआ अपने, सेम प्रोसेस अपने इंडियन पोस्ट ऑफिस के साथ हुआ। तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने अपना इंटरनल जो बताया कि भाई इस पोस्ट ऑफिस, मतलब पूरे भारत के अंदर इतनी इतनी पोस्ट खाली है और किस किस ग्रुप में खाली है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की। तो मैं A to Z यहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। जैसे सबसे कोई भी अगर डिपार्टमेंट है तो सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है वो आपके ग्रुप एक ही मानी जाती है, जिसे आप क्लास ए अधिकारी बोलते हो, क्लास ए अधिकारी बोलते हो। अब क्लास ए अधिकारी की अगर बात करोगे, मेल मोटर सर्विस, मतलब क्लास ए अधिकारी की बात करोगे, तो टोटल आपकी यहाँ पर 11 पोस्टेस खाली है, 11 पोस्ट खाली थी जिनका इन्होंने ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया। ये ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, डिपार्टमेंटल का ये आपका ऑफिशियल लेटर है। ग्रुप बी की बात करोगे तो टोटल 826 आपकी पोस्ट खाली थी। जैसे आपका आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे, मैं इसे जूम करके अगर आपको दिखाऊं, आंध्र प्रदेश में 42, आसाम में 19, बिहार में 43, छत्तीसगढ़ में 10, ठीक है, अपने मध्य प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 39, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपकी 12, इस टाइप से टोटल मिलाकर ग्रुप बी की वैकेंसी आपकी 826 खाली है। अब आप बोलोगे सर ये ग्रुप ए और ग्रुप की जो नोटिफिकेशंस हैं वो किस हिसाब से आएंगे, इंडिविजुअल निकालेगा या फिर किस एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के साथ आएगा। तो आप सभी को पता है कि क्लास ए और क्लास बी के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो यूपीएससी के थ्रू आते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी का आपका नोटिफिकेशन है, तो जितनी भी ये पोस्ट बताई है ना ए और बी की, ये सभी अपने यूपीएससी के हिसाब से आएंगे, मतलब यूपीएससी एग्जाम इनका कंडक्ट करेगा। तो जो भी यूपीएससी का सिलेबस रहेगा वो यूपीएससी इनका सिलेबस रहने वाला है। जैसे यूपीएससी के जनरली हम लोग एक ही एग्जाम जानते हैं, आईएएस, तो आईएएस तो एक पोस्ट है, उसके साथ और भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा हो, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, एक और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऐसे बहुत सारे इनमें जॉब रहते हैं जिनमें से आपका एक पोस्ट ऑफिस के अंदर भी ग्रुप बी का आपका एक पोस्ट रहता है। इसी तरीके से अगर और आप पोस्ट बात करो, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट, इसके 1909 पोस्ट खाली, ये भी कहीं ना कहीं आपकी यूपीएससी से ही फिल किया जाएगा। इसके बाद डेप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर इन MMS, तो ये भी आपके टोटल 41 पद है, ये भी क्लास ए और बी के पोस्ट है, तो ये भी आपका यूपीएससी से आएगा, ठीक है। ये आपका टोटल यहाँ पर असिस्टेंट इन MMS, ये भी आपका कहीं ना कहीं यूपीएससी का। अब यहाँ पर और भी जैसे पोस्ट है, जैसे इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर पोस्ट पोस्ट ऑफिस के अंदर भी एक आपका इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। अब ये ना आपका बी और सी कैटेगरी का जॉब है और इसकी जो नोटिफिकेशन आता है ना वो कहीं ना कहीं SSC CGL के अंदर आता है। जैसे आपका SSC एक यूपीए, पूरे भारत का जो सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो होता है आपका एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का, वो होता है आपका यूपीएससी, और इससे यूपीएससी के जस्ट बाद आता है आपका SSC।
तो ए और बी के रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस अपना यूपीएससी करेगा, और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट होंगी उनके लिए अपना एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो ये इंस्पेक्टर जो पोस्ट है वो आपका एसएससी सीजीएल के अंदर आता है। तो आप बोलोगे सर इसका सिलेबस, भाई जो एसएससी का जो आपका सिलेबस रहता है टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, ठीक है, और बाद में आपका सीपीटी, वो सब आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आपकी 2149 पोस्ट यहाँ पर आपकी खाली है, जिसमें हर सर्किल भाई जैसे एमपी सर्किल, केरला सर्किल, कर्नाटका सर्किल, झारखंड, एपी, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, हर सर्किल वाइज इन्होंने पोस्ट बता दी कि किस सर्किल में कितनी खाली है। दूसरी अगर आप बात करोगे पोस्टल, ठीक है, पोस्टल आपकी ऑपरेटिव साइट्स की, अब अगर इनकी बात करोगे ना, जैसे आप सभी को पता है कि एक एसएससी सीएचएसएल, सीएचएसएल मतलब 12th लेवल का एक एग्जाम होता है, उसमें आपका एक पोस्ट का नाम होता है आपका पीएएसए, पोस्टल असिस्टेंट और आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट। और हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया था कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट को सीएचएसएल से हटाकर वो सीजीएल के अंदर, मतलब आपकी अब वो पोस्ट 12th पास ना होकर अब आपकी पोस्ट वो ग्रेजुएशन बेस्ड पर की जाएगी। तो ये सारी जॉब आपकी कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल के अंतर्गत भरी जाएगी, मतलब जो भी इनका एसएससी सीजीएल का सिलेबस होगा वही सिलेबस इनका रहने वाला है। जैसे आपका आरएमएस, जैसे आप लोग रेलवे मेल सर्विस बोलते हो, या फिर आप जिसका जब भी रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो आपको आरएमएस जरूर दिख जाएगा, रेलवे मेल सर्विस आपको जरूर दिख जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं आपका सीजीएल के अंतर्गत ही पोस्ट आपकी रहने वाली, जिसकी 20,132 पोस्टें अभी ऑल ओवर इंडिया में खाली हैं। इसके बाद आपका सेविंग बैंक्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि सभी को पता है कि भाई पोस्ट ऑफिस के अंदर एक बैंक भी आ चुका है, जिसे आप पोस्टल पेमेंट बैंक बोलते हो, तो उसमें आपकी 3,712 पोस्ट खाली है। तो उस हिसाब से आपकी ये वैकेंसी यहाँ पर आपकी आने वाली हैं, ठीक है। अब आपका सर्किल रीजनल ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफिसर्स में आपकी कितनी पोस्ट खाली है, 3,364, तो ये इन्होंने यहाँ पर डाटा दे दिया। इसके बाद यहाँ पर आपका जो सबसे ज्यादा जो पेज आपका वायरल हो रहा है, जो आप लोगों ने देखा होगा, वो है आपका पोस्टमैन, रेल गार्ड एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ। पोस्टमैन की देखोगे तो पूरे भारत में 59,099 पोस्ट खाली है। मेल गार्ड की बात करोगे तो 1,445 खाली है। एमटीएस की बात करोगे तो 37,539 पोस्ट खाली है। अब आपका डाउट होगा कि सर इनकी जो वैकेंसीज है, इनका जो रिक्रूटमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है। तो देखो पोस्ट ऑफिस और जो आपका मेल गार्ड, जो आपका एमटीएस है, इनका जो रिक्रूटमेंट होता है ना वो सर्किल वाइज होता है। जैसे आप एमपी सर्किल के हो तो आपका एमपी सर्किल इनका रिक्रूटमेंट करेगा, आप राजस्थान के हो तो राजस्थान का, मतलब हर सर्किल वाइज इनकी नोटिफिकेशन आते हैं और इनके एग्जाम या फिर इनकी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। हालांकि पोस्ट ऑफिस में और मेल गार्ड में, एमटीएस में एग्जाम नहीं होता आपका, इनका 10th का जो परसेंट बेस होता है उसी से आपका सिलेक्शन होता है। जैसे अभी हाल ही में एक वैकेंसी इन्होंने खत्म भी की है, हाल ही में इन्होंने अभी एक वैकेंसी खत्म भी की है, जिसमें 10th के जो आपके परसेंट थे उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन लिया गया था, ठीक है। दूसरा आपका ये पेज आप लोगों ने देखा होगा, स्टेनोग्राफर्स में कितनी पोस्टेस खाली है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है ये आपको क्लियर ना दिखे, ठीक है। तो ये आपका पूरा टोटल यहाँ पर 764, ठीक है, पोस्ट आपकी खाली है स्टेनोग्राफर्स की, मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर जो आपका स्टेनोग्राफर रहेगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंटीन पोस्ट, जो आपकी कैंटीन होंगी डिपार्टमेंट के अंदर, उनकी 375 पोस्ट खाली है। तो ये सब मिला के टोटल आपके 1 लाख पद होते हैं, 1 लाख पद होते हैं। अब 1 लाख पद की सच्चाई समझना, देखो ये काम था पोस्ट ऑफिस का कि पोस्ट ऑफिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर इतनी पोस्ट खाली है 1 लाख प्लस में कुछ। अब इन वैकेंसीज के ऊपर, मतलब इन खाली वैकेंसीज के ऊपर जो वैकेंसी आने वाली है वो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब वैकेंसी 1 लाख, हालांकि 1 लाख तो मुश्किल है, आ भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, 1 लाख नहीं आएंगी, 1 लाख का 10%, 20% या 30%, मैक्सिमम 30% आता है, जितनी वैकेंसी खाली होती है ना उसका मैक्सिमम 30% भरा जाता है। तो हो सकता है अगर 30,000 भी आती हैं तो भी अपने आप में ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। हाँ वैकेंसी आएंगी। अब आप बोलोगे सर इसका नोटिफिकेशन कब कब आएगा? अब यार इसका नोटिफिकेशन जैसे आप सभी को पता है सितंबर में एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो सीजीएल वाली जितनी भी इनके अंदर की पोस्टें होंगी वो आपका सीजीएल के अंदर आ जाएगा। यूपीएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो यूपीएससी की जितनी भी पोस्ट होंगी तो वो उसके अंदर आ जाएगा। फिर सर्किल वाइज जो आपका एमटीएस, जो आपका मेल गार्ड या फिर आपका पोस्टमैन, इनकी पोस्ट आपकी उस हिसाब से आ जाएंगी। तो जैसे जैसे रिक्रूटमेंट आपकी आगे बढ़ेगी तो ये प्रोसीजर भी आपका आगे बढ़ेगा। हाँ इतना कन्फर्म है कि ये वैकेंसी आएगी। अब 1 लाख में से कितनी वैकेंसी आती है ये डिपेंड करता है आपके आने वाले समय के नोटिफिकेशन पर, वो भी आपका बहुत जल्द आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि 1 लाख में से कितनी वैकेंसीज आपकी आई। हाँ वैकेंसीज इतनी खाली है, जो आप लोग बार बार वीडियो देख रहे हो कि 1 लाख पोस्ट आने वाली है, 1 लाख इतना होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसीज खाली है, इन पर अब भर्ती की प्रक्रिया आपकी होगी।
चलो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, तो मैं अगर आप लोगों का ज्यादा कोई डाउट होगा तो मैं आपका अलग से वीडियो बनाकर आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना, ताकि हर कोई क्लियर हो सके कि 1 लाख जो पोस्ट है वो किस किस तरीके से या उनका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है।